और दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगी कि जो गार्डनिंग करते हैं उन लोग के दिल बहुत अच्छे होते अच्छे रहते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं और बीमारी भी बहुत कम लगती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो खुश होते हैं। पेड़ पौधों से जो कांटेक्ट होते हैं ना, तो हम लोग को लगता है कि जैसे वो लोग बोलते हैं। और मुझे औरों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील हुआ है और इन रियल फील हुआ है कि ये लोग हमसे बातें करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। जैसे उन लोगों का भाषा तो नहीं होती है ना, लेकिन वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। और इसलिए मेरा सजेशन यही है कि सब लोग को कुछ ना कुछ गार्डनिंग करना चाहिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। और अभी मैं गार्डन का अपडेट सेकेंड पार्ट दिखाने के लिए मैं इधर आई हूँ। और अभी तो मैं इधर, मेरा ये टेरेस गार्डन है, अपडेट यानी नीचे जो मेरा है गार्डन, उसका अपडेट मैं दिखाने वाली हूँ। और इधर का भी कुछ कुछ दिखाऊंगी। और आप देख सकते हो, इधर से देखिए, वो नीचे वाला है ना, दिखाने वाली हूँ। और तो दोस्तों, अब हम ये टेरेस गार्डन छोड़कर नीचे मेरे गार्डन एरिया में जाएंगे। और ये सीढ़ी उतर रही हूँ मैं, और नीचे जो गार्डन एरिया दिख रहे हैं और कुछ बोगनवेलियास इधर लगाए हैं मैंने, तो लेट्स गो टू माय गार्डन एरिया। तो देखिए, अब आ ही गए हम लोग। और उधर मेरा जो पेट डॉग है प्रिंसेस, दौड़ के मुझसे मिलने आ रही है। मेरा गार्डन का अपडेट्स तो मेरे कुत्तों के बिना पूरा ही नहीं होगा। और देखिए, अभी ये जो है मेन एरिया है, इसमें मेरे हैंगिंग प्लांट्स है। तो देखिए, मैंने एक शेड लगाया है इधर, और इसके नीचे ये जो ग्रीन एग्लोनिमा और ये स्ट्रोमेंथी ट्रियोस्टार है ट्राइकलर, और इसे तो मैं बहुत पसंद करती हूँ और जितना भी देखूँ उतना ही कम पड़ता है। और इधर ये जो हैंगिंग है प्लांट्स है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये हैंग करने के लिए ना। और ये जो मैंने विंका का लगाया था, प्रोपोगेट किया था, तो वो हो ही गया है। और दोस्तों, ये है रेड जिरेनियम फ्लावर, और ये है कुछ हैंगिंग बास्केट्स। और मेरे गार्डन का सबसे शो स्टॉपर अब इस टाइम में है ये स्पाइडर प्लांट। देखिए इसके झुमके, इसके पॉप्स कितने अच्छे लहरा रहे, चारों तरफ गिरे हुए हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत शो दे रहा है। और तो मैं कुछ नायलन की डोरी से प्लांट हैंगर्स बना के ये स्पाइडर प्लांट्स को झुलाऊंगी, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और ये है बालसम ट्री जो मेरे गार्डन के बीचों बीच लगाया है, ये पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो अभी कुछ बर्ड्स निकलना शुरू हो गया है, ये देखिए। और इसी के साथ एक मुसंडा का भी ट्री है जो येलोइश ऑरेंजी फ्लावर है, मैंने पहले मेरा गार्डन का ओवरव्यू में दिखाया था, और मैंने विंटर में हार्ड प्रूनिंग की थी, इसलिए अभी नहीं है। और देखिए, ये है जाकरंडा ट्री, तो इसको गुलमोहर भी बोलते हैं, बंगाली में कृष्णचूड़ा बोलते हैं। और ये ना, मैंने सीडलिंग्स सीड्स मंगाए थे ऑनलाइन, तो ये देखिए सीडलिंग्स उगाए हैं, 3 साल आगे का फोटो है ये जो सीडलिंग्स का, तो अभी ये बहुत बड़े हुए हैं, अभी तो गगनचुंबी हो गए, बहुत ही बड़ा हो गया है और अभी तक ब्लूम नहीं हुए। ये है, उसमें लिखा था
कि पर्पल कलर का, देखते हैं पर्पल खिलेगा कि नहीं, अभी तक तो खिला नहीं है और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब खिलेगा मेरा जाकरंडा पर्पल कलर का। और ये है अगाव, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत। और ये है वाइट जैस्मिन जो इधर देख रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा है मेरे गार्डन में, इधर उधर है। और ये है वो जो पर्पल कलर का जो वाइन था ना, बंगाल क्लॉक वाइन, पर्पल पर्पल फ्लावर पहले भी दिखाया था, अभी तो फूल खिलना बाकी है, अभी नहीं खिले हैं। और ये वाइट कलर के बोगनविलिया हो रहे हैं, अभी शुरू हो गया खिलना। और ये है ब्लीडिंग हार्ट, तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये फ्लावर, तो एक साइड में है, ये सीढ़ी के सामने है और बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ छेद हो गए, कीड़े ने खा लिया है, तो मैं ऐसे इसको निकालती हूँ। और ये भी बहुत ही अच्छा शो दे रहा है मेरे गार्डन में, और बहुत माने ऊपर में भी है, बहुत ज़्यादा है ये, और बहुत झुमके होंगे ना ज़्यादा, तो बहुत अच्छे लगेंगे गेट में, और अच्छा लगेगा। और ये है, ये कैरिकेचर क्रोटन है और बहुत ही खूबसूरत वेरीगेटेड होते हैं, और ये भी क्रोटन ही है, और उसमें कुछ रोयो प्लांट है और बहुत ज़्यादा है उधर। रोयो मैंने कुछ ही रख दिए है उधर, बाद में मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी रोयो के बारे में। और तो ये क्रोटोन से रोयो है, और वो जो सफ़ेद वाला ये दिख रहा है ना, ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट जैसा, ये है कैलेडियम, ये कैलेडियम है जो सिंगोनियम जैसा दिखता है। और ये मेरा गार्डन का नज़ारा है, और यहाँ कुछ पोटुलाका भी लगाए हैं मैंने, और यहाँ पे स्पाइडर प्लांट्स लगाए हैं मैंने छोटे छोटे बॉटल्स के, वो पे मैंने काट के लगाया बनाया था बॉटल का, और उसमें तो ये है मेरा ये जो मेन एरिया है गार्डन का, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। और ऐसा ही है मेरा इधर, और देखिए दोस्तों इस कोने में है आइरिस और कुछ फिनिक्स पाम, ये जो है ना छोटे वाले पाम, फिनिक्स बोलते हैं उसको, इसको और आइरिस है, और ये है बोगनविलिया, और ये है फिनिक्स पाम। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं घर में सजाने के लिए, इंडोर प्लांट के लिए भी। और ये है कामिनी नाम का एक फ्लावर है, इसको कामिनी बोलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं उसमें। और ये सब जो कलंचो सब हमने अब काट के हार्ड प्रूनिंग करके रख दिए है। और ये है क्रोटन, चाइनीज क्रोटन जो अंदर से रेड होते, तो अभी तक अच्छे ही है ये, उसके बहुत सारे कटिंग्स लगाए हैं अभी मैंने, ऊपर छत में है। और अभी ये है यूका, बहुत ही अच्छे बड़े बड़े यूका है, और बहुत ही ग्रीन हुए हैं अभी बारिश में। और ये है ड्वार्फ अम्ब्रेला ट्री, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, और इंडोर रखने के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर ही इस ये अच्छा रहेगा बाहर रखने से ही। और ये है मेरा इस दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट का कोना है ये, और मेरा गार्डन का। और ये है कुछ हाइड्रेंजिया जो मैंने उस टाइम में कटिंग्स लिए थे ना, कुछ स्टेम्स इसी से लिए थे, अभी जो फूल भी हुआ है अभी तो इधर, और इधर बहुत सारे हैं, और वंडरिंग जो भी है। और ये है प्रेयर प्लांट, और आइरी से कुछ पोटुलाका है उधर, और हमारा डॉगी है ब्लू और इस तरह से मैंने लगाए है वंडरिंग जू, देखिए बहुत ही ज़्यादा है वंडरिंग जू, अभी इस एक साइड का ही दिखा रही हूँ। और इधर कुछ स्ट्रोमेंथेट्रियो स्टार भी है इसके नीचे, जो मैंने दिखाया था ना फूल वाला, रेड फूल आया वो है। और ये है ब्रश फ्लावर, अभी बहुत सारे खिले हैं रेड कलर के,
और मनी प्लांट है इधर दरवाजे के सामने मेन डोर के सामने। तो दोस्तों अभी तो फिर आप लोगों से विदा चाहूंगी और फिर पार्ट 3 लेकर जल्दी ही मैं आप लोगों के सामने आऊंगी। और आप लोग अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने भी घर में रहिए। बाय।